हेलो दोस्तों, A1 कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इसका मतलब ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग के रूप में है, तो उनका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो वो क्लास मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। आई होप आपने वो क्लास देख ली होगी। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी जैसे √7, √10, √13, √47, यानी ऐसी संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उनका हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं, और जिन्होंने मेरी पिछली क्लास ना देखी हो तो जाकर के वो पिछली क्लास देख ले। और अगर आज मैं आपको बहुत ही शानदार एक उम्दा ट्रिक बताऊंगा, इसके चलते आप 2 या 3 सेकंड में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। और अगर आपको ये ट्रिक पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो फिर आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ स्क्वायर रूट तो याद ही होंगे, बहुत ही सिंपल स्क्वायर रूट है, सबको याद रहते हैं। वो क्या है? √4। √4 की वैल्यू तो सब लोग जानते होंगे, 2। √9 की वैल्यू होती है 3। √16 4। √25 तो हो जाएगा 5। √36 तो हो जाएगा 6। √49 की वैल्यू हो जाएगी 7। √64 की हो जाएगी 8। ये सारे स्क्वायर रूट तो आप लोगों ने कक्षा 4 कक्षा 5 में, मतलब बहुत ही प्राइमरी क्लासेस या जूनियर क्लासेस में पढ़ लिए हैं, सभी लोगों को याद रहते हैं। लेकिन आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे √7। मैंने आपके लिए लिख दिया है √7 = 2.66। तो ये 2.66 आया कैसे है? इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही शानदार, बहुत ही एक अच्छी शानदार ट्रिक बताने जा रहा हूँ, तो आप लोग उस ट्रिक को कॉपी कर लीजिए। इसी प्रकार से आज हम लोग निकालेंगे √10 की वैल्यू, √13 की वैल्यू, √47 की वैल्यू। इस प्रकार से आप लोग कितनी कोई भी संख्या जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हैं। चलिए तो मैं आपको ट्रिक समझाता हूं। पहले चलिए, तो मैंने आपके लिए नंबर लिया है √7, यानी 7 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, √7 इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो मैं आपको बताता हूँ ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक। ठीक है, आप लोग सिर्फ कॉपी करिए, मैं आपके लिए कुछ लिखने जा रहा हूँ, आप लोग अच्छे से कॉपी करना। जैसे लिखा है √7, तो √7 की ट्रिक कैसे निकालेंगे? ट्रिक निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, देखो √7 की वैल्यू तो आपको याद नहीं होंगी, लेकिन √7 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग उसके पास वाले परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू पता है, उसके पास वाले परफेक्ट स्क्वायर के पास जाएंगे। अब उसके पास वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो आप कहेंगे √9 की वैल्यू सबको पता है, मैंने लिख भी दी है आपके लिए कि √9 की वैल्यू क्या होती है, 3। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, उसके पास वाले परफेक्ट स्क्वायर के पास जाएंगे। मैं अभी ट्रिक इजाद कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको √7 को ऐसे लिखूंगा √9 - 2। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि तो क्या लिख दिया मैंने, तो ये सही नहीं है, जो मैंने लिखा है √9 - 2 ये √7 के बराबर नहीं है, लेकिन मैं अपनी ट्रिक बना रहा हूँ। तो ट्रिक के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से लिखना है, और फिर फाइनली मैं आपको आंसर निकाल के दिखाऊंगा, और आप लोगों को ट्रिक बहुत पसंद आएगी। मैंने क्या लिखा, √9 - 2, ये √2 नहीं है, ठीक है, ये जो √2 है मेरा ओनली 9 में लगा है, हम लोग ट्रिक बना रहे हैं अभी और आपको ट्रिक पसंद आएगी। ठीक है, तो √9 - 2 तो यहाँ से 7 हो गया, ऐसे हमें याद बना रहेगा, इसलिए मैं ट्रिक बना रहा हूँ। 7 के लिए मैंने ऐसे लिखा 9 - 2 = 7, लेकिन मैंने लगाया √ किस में लगाया है, 9 में। क्यों लगाया है √9 में, क्योंकि आपको √9 की वैल्यू पता है। ठीक है, तो √9 की वैल्यू पता है, तो 9 - 2 = 7, मैंने ऐसे लिखा है, इसके बराबर नहीं है, आप लोग ये मत कहिएगा कि आपने क्या लिख दिया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, अगला स्टेप में क्या होगा, √9 की वैल्यू मैंने आपको बताई क्या है, √9 की वैल्यू क्या होती है, 3, तो मैंने ये लिख दिया। फिर क्या करेंगे, 3 - 2, अब 2 है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसके अपॉन में लिखना है मेरे को, जो ये नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर जो संख्या होगी उसका डबल, उसका दोगुना हमको इधर लिखना है, कैसे, 2 * 3। ओके, मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, √7 को लिखा है मैंने, 9 - 2 = 7, 9 - 2 = 7, और 9 पर मैंने रूट लगाया है। मैं अभी ट्रिक बना रहा हूँ, √9 की वैल्यू आपको पता है 3, और ये -2 था, तो 2
अपॉन क्या करना है, ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में मैंने किया है कि जो नंबर इधर लिखा हुआ है, इधर मेरा 3 है तो मुझे इसका डबल करना है। यहाँ पे मेरा जो भी नंबर होगा अपॉन में मुझे उसका डबल करना है, दो गुना करना है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 2/6। ओके, अब 3 - 2/6 को सॉल्व कर लीजिए तो आपको जो आंसर मिलेगा वही मेरा √7 का स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 6 × 3 = 18, 18 - 2 = 16/6। ओके, 6 × 3 = 18 - 2 = 16/6। और इधर से आप जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6 × 12 = 2.66। यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.66। तो मेरा √7 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2.66। अब आप बताइए कि आप लोगों को ये ट्रिक कैसी लगी है। मैंने क्या किया, 7 को लिखा है 9 - 2। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है, ऐसे कॉपी करना है, फिर √9 की मैंने वैल्यू लिखी। दूसरा स्टेप मैंने 2 अपॉन मैंने क्या किया, यहाँ पर जो भी नंबर है मेरा 3, 4 जो भी आएगा यहाँ पे उसका मुझे डबल करना है, दो गुना करना है इधर पे अपॉन में। तो 3 - 2/6 = 16/6, 2.66। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो गैर पूर्ण संख्या है उसका वर्गमूल निकाल सकेंगे। तो आप लोगों को ये ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अब मैं आपको दूसरा नंबर लेके दिखा रहा हूँ। तो मैंने आप लोगों के लिए दूसरा नंबर लिया है √10। ठीक है, अब √10 की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको इसका अप्रोक्स वैल्यू पता होगी कि √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3। तो 3 से थोड़ा बड़ी आएगी, 3 point something आएगी, लेकिन 3 point क्या आएगा ये आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं पता होती है। तो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ √10 की वैल्यू कैसी आएगी। वही ट्रिक है जो मैंने पहले बताई थी। क्या करना है, इसमें √10 को कैसे लिखेंगे, जो इसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर है उसके रूप में इसे तोड़ लेंगे। तो कैसे तोड़ेंगे, इसको ये क्वेश्चन था मेरा, तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं 9 + 1। ठीक है, मैं आपको समझा चुका हूँ कि इसके बराबर नहीं है, लेकिन हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में इसको लिख रहे हैं जिससे हमारा आंसर आ जाए और हम लोग मतलब कि हमको सीखने में भी कठिनाई ना हो। 9 और 1 = 10, इसी प्रकार से हम लोग, तो 9 + 1 = 10 हो गया, तो वैसे हमने लिख लिया √9। दूसरा स्टेप में क्या होगा, √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 + 1 अपॉन। मैंने क्या बताया था कि इधर क्या आएगा, इधर अपॉन में उतना आता है जो यहाँ लिखा हुआ है उसका डबल आएगा। ये हो जाएगा ये 2 × 3 = 6, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, 3 + 1/6, 3 + 1/6। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 19/6। और जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3.16। ओके, तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे 19/6 को तो आ जाएगा 3.16। तो इस प्रकार से √10 की वैल्यू हम लोगों को फाइंड हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ √13 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 13 की वैल्यू के लिए मुझे क्या करना है, इसके पास का परफेक्ट स्क्वायर है 9। ठीक है, प्लस और इसको कैसे लिखेंगे 4 में। पहला स्टेप तो मेरा यही था। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3। √9 की वैल्यू 3 और यहाँ आ जाएगा मेरा 4 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे इसका डबल, इस नंबर का डबल आएगा, तो 2 × 3 ओके, तो ये हो जाएगा मेरा 3 + 4/6। ओके, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 × 18 + 4 = 22/6। ओके, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो इसके आंसर कितना आ जाएगा, इसका हो जाएगा 6 × 18 + 4, तो 3.66 हो जाएगा। तो इसका आंसर मिल जाएगा हमको 3.66। तो इस प्रकार से हम लोग √13 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने √13 की वैल्यू फाइंड करने के लिए √9 का यूज क्यों किया है, क्या मैं √16 का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं, √16 भी तो पास में है ना। मैंने बताया था कि मतलब नजदीक वाला परफेक्ट स्क्वायर ले लीजिए तो उससे हमारी चीज आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, हमको कठिनाई नहीं पड़ेगी, बाकी आंसर तो दोनों केस में निकलेगा। अगर कोई √16 से निकालना चाहेगा तो क्या होगा, मान लीजिए उसने कह दिया कि मैं √13 को ऐसे लिख लूं, अगर उसने इसको ऐसे लिख दिया 16
और 16 में से 3 उसने माइनस कर दिया, क्योंकि मैं 9 और 4 13 लिख रहा था, तो 16 में से 3 है 13, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ इस चीज को। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा हो तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो हाँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से मैं आंसर निकालता हूँ, कितना आएगा, अंडर रूट 16 पे जो आपको पता है क्या होती है, 4 माइनस 3 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, मैंने बताया था कि इसके अपॉन में वो आता है जो इस नंबर का डबल हो, ये 4 है तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × 4, ठीक है। तो ये मेरी फिर क्या हो जाएगा, 4/3/8, ओके। तो यहां से आ जाएगा 8 × 4 = 32, 32 में से माइनस 3 जाएगा तो आ जाएगा 29/8, यहां से इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 8 × 3 = 24, 5 बचेगा तो 8 × 6 = 48, और फिर 48 × 8 = 16, तो यहां से 3.62 आएगा, ठीक है। तो यहां से आपका आंसर आएगा 3.62 और इधर से आएगा 3.66, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप लोग एक उसको कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। आप लोग इतना कंसीडर कर लीजिए 3.6, और यहां से भी आपको मिल जाएगा 3.6, और अगर आप चाहें तो 3.62 या 3.66 कुछ भी लिख दीजिए, दोनों बहुत नजदीक है। आपको कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम्स में ऐसे आंसर नहीं मिलेंगे, ठीक है, इतने सटीक आंसर नहीं मिलेंगे, चाहे आप लोग यहाँ से निकालिए चाहे आप लोग यहाँ से निकालिए, दोनों ही केस में लगभग आपको अप्रोक्स आंसर सही मिल जाएगा, ओके। तो आप लोग चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकालिए, दोनों ही केस में 3.6 ही आ रहा है, बाकी इसमें 0.62 है, यहाँ 0.66 है, बारीक सा अंतर है, ठीक है। तो ये निकालने का ऐसे अंतर है, बाकी इसमें किसी भी मेथड से निकालिए, दोनों ही केस में आपका आंसर सही आएगा, ओके। तो मैं आपको बताता हूँ, आपके लिए लास्ट, आज का लास्ट लेता हूँ, √47, ठीक है, √47 को निकाल के दिखाता हूँ। चलिए, तो मैंने आपके लिए लिया हुआ है √47, ठीक है, √47 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो √47 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे क्या, √49 − 2, ओके। ये सिर्फ लिखने का तरीका है, क्योंकि हमको √49 में से 2 गया 47, इससे हमें याद बने रहेगा, इससे हम भूलेंगे नहीं कि हमको लिखना कैसे था, 49 में से 2 गई 47, और लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, बस मैं लिख रहा हूँ इस तरीके से। अब क्या करना है, √49 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है, −2/, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 7, यहाँ पे जो नंबर होता है अपॉन में उसका 2 गुना आता है, तो ये हो जाएगा मेरा 7 − 1/7, ओके। और यहाँ से आ जाएगा 7 × 7 = 49 में से बन गया 48/7, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 6 = 42, 6 × 7 = 85, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 6.85। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। करना क्या है आपको, मैंने आपको समझा दिया कि उसको उसके पास वाले परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख लीजिए, फिर जितना कम है ज्यादा है माइनस या प्लस कर दीजिए, नीचे आएगा अपॉन में उसका डबल, और उसको सॉल्व कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट तक पहुंच जाएंगे, और आपको एग्जाम्स में बहुत बड़े बड़े नॉन परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलते हैं, आपको एग्जाम्स में छोटे नॉन परफेक्ट स्क्वायर ही मिलते हैं, ठीक है। और बाकी जो मिलेगा तो वो आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये मैं आपको इसके पहले वाली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, और उस क्लास के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। तो जिन्होंने मेरी वो क्लास नहीं देखी है तो जाकर के पहले वो क्लास देख ले, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको ये ट्रिक मेरी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।